एमबीबीएस में जो अगला लॉन्ग क्वेश्चन आता है यूरोलॉजी से, वो आता है कार्सिनोमा प्रोस्टेट। कार्सिनोमा प्रोस्टेट क्या है? ये एक मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है, 65 इयर्स मेल में होता है। अब जैसे कि आपको बताया था कि प्रोस्टेट में तीन जोन्स हैं, मैकनील ने डिवाइड करी थी, पेरिफेरल जोन, ट्रांजिशन जोन और सेंट्रल जोन। पेरिफेरल जोन से क्या अराइज हो रहा था? कैंसर। ट्रांजिशन जोन से क्या अराइज हो रहा था? बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अब फॉर एग्जांपल पर्सन को, मेल को बीपीएच हुआ पहले, आपने प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव कर दिया, प्रोस्टेक्टमी कर दी, तो ऐसा नहीं है कि कार्सिनोमा नहीं हो सकता, हो सकता है कार्सिनोमा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के तीन जोन्स हैं अलग अलग। आपने तो सिर्फ ट्रांजिशन जोन हटाया है, लेकिन कैंसर कहाँ से आता है? पेरिफेरल जोन से आता है। तो यही पॉइंट लिखी हुई है नेक्स्ट, कि कैंसर जो है प्रोस्टेट का, वो पेरिफेरल जोन में होता है, इन प्रोस्टेटिक ग्लैंड प्रॉपर, दैट इज़ कॉमनली पोस्टीरियर लोब। सो प्रोस्टेक्टमी फॉर बीपीएच डज नॉट कन्फर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। क्या रीज़न है? जोन्स डिफरेंट है, बीपीएच ट्रांजिशनल है एंड कैंसर बीपीएच ट्रांजिशनल जोन में होता है, और कैंसर पेरिफेरल जोन में होता है, मेल्स में होता है ये। अब कैंसर के टाइप्स हैं, मोटा मोटा याद करने के लिए, अर्ली एडवांस्ड मेटास्टैटिक कैंसर जो बोन में या दूसरे ऑर्गन में जा रहे हैं, जो टाइप्स में आता है माइक्रोस्कोपिकली लेटेंट, और दूसरा आता है ट्यूमर्स इंसिडेंशली फाउंड ईदर बाय टर्क और बाय पीएसए एस्टिमेशन। अर्ली लोकलाइज कैंसर, एडवांस लोकलाइज कैंसर और मेटास्टैटिक कैंसर जो बोन या दूसरे ऑर्गन्स में जा रहा है। फिर आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या है? ये एक एडिनोकार्सिनोमा, जैसे एडिनोकार्सिनोमा की कहानी अगर आपको बताई जाए, जो कैंसर्स होते हैं वो मेनली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। तो ये वाला जो कैंसर है ना, ये एडिनोकार्सिनोमा है, वेयर इन देयर इज लॉस ऑफ मायोएपिथेलियल सेल लेयर्स विच सराउंड्स द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। जो प्रोस्टेट ग्लैंड को मसल्स के एपिथेलियल सेल लेयर्स सराउंड करते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ग्लीसन ग्रेड होता है 1 to 5। ग्लीसन ग्रेड क्या कहता है? डिफरेंशिएट 5 है डिफरेंशिएटेड, लास्ट वाला जो है वो अनडिफरेंशिएटेड। बीच में क्या है? जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के बीच में बहुत सारा स्ट्रोमा है, और यहाँ पे क्या डिस्टिंक्टिवली इनफिल्ट्रेटिव मार्जिन्स, और यहाँ पे क्या इरेगुलर मासेस ऑफ न्यूप्लास्टिक टिश्यू। तो यहाँ पर स्ट्रोमा है ग्लैंड्स के बीच में, यहाँ पे डिस्टिंक्टिवली इनफिल्ट्रेटिव मार्जिन्स है, और यहाँ पे इरेगुलर मासेस है ऑफ न्यूप्लास्टिक ग्लैंड्स। मिनिमम स्कोर क्या है? 1+1=2, और मैक्सिमम स्कोर क्या है 5+5=10। जितना ज़्यादा हाई स्कोर होगा उतना पुअर प्रोग्नोसिस होगा, मतलब ठीक होने का चांसेस कम होंगे। अब स्टेजिंग कैसे करते हैं इसकी, कैंसर की प्रोस्टेट के? इसको हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें चार स्टेजेस होती हैं। पहली है ट्यूमर विच इज़ कॉन्फाइंड टू प्रोस्ट्रेट, दूसरा है ट्यूमर विच इज़ इन्वॉल्विंग कैप्सूल, तीसरा है ट्यूमर इन्वॉल्विंग सेमिनल वेसिकल्स, और फोर्थ है एक्सटेंशन इनटू एडजेसेंट टिश्यू। पीसीएसटी में क्या आता है कि कन्फाइंड टू प्रोस्ट्रेट, कैप्सूल तक, और एस से सेमिनल वेसिकल से, और टी से टिशू। तो जैसे पीसीटी बोलते हैं ना, ऐसे एस बीच में आ गया, तो प्रोस्ट्रेट तक, फिर कैप्सूल तक, फिर सेमिनल वेसिकल तक, और फिर टिशू तक, एडजेसेंट टिशू तक। और इसी के अकॉर्डिंग टीएनएम स्टेजिंग भी है कहीं ना कहीं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड की। कैसे? टीएनएम स्टेजिंग लग डिफिकल्टी है, लेकिन है बहुत आसान। देखो, टी प्राइमरी ट्यूमर, टी एक्स कैन नॉट बी असेस्ड, टी जीरो नो प्राइमरी ट्यूमर, जो तीन है ना ये तो हम छोड़ ही देते हैं एक तरह से, कि हर बार हमें पता है कि टी में प्राइमरी ट्यूमर की, टी का मतलब क्या होता है कि ट्यूमर, एन का मतलब क्या होता है नोड्स, और एम का मतलब क्या होता है मेटास्टेसिस, एक्स का मतलब होता है कि वो असेस नहीं कर पा रहे, जीरो का मतलब कि कोई ट्यूमर है ही नहीं। अब 1, 2, 3, 4, टी के चार हैं। अब वो देखो चार कौन से हैं, यही प्रोस्ट्रेट तक है, तो नॉट पैल्पेबल विजिबल बाय इमेजिंग। T2 कन्फाइंड टू प्रोस्ट्रेट, ये वाला पॉइंट आ गया 1 वाला। T3 प्रोस्ट्रेट ट्यूमर एक्सचेंज इनटू प्रोस्ट्रेटिक कैप्सूल, ठीक है। फिर T3 के बी में आ गया सेमिनल वेसिकल्स, और T4 में क्या आ गया कि वो एडजेसेंट ऑर्गन्स में जा रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है टिश्यूज़ में, तो ऐसे ही एडजेसेंट जगह पे जा रहा है, रेक्टम में या फिर पेल्विक फ्लोर और वॉल में। अब ये T1 में क्या है, विच इज़ नॉट पैल्पेबल, ABC। ए में क्या आता है कि हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं विच इज़ 5% से लेस ऑफ द रिसेक्टेड टिश्यू। 1B में क्या होता है कि 5% से ज़्यादा। सी में क्या होता है, नीडल बायोप्सी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। T2 में क्या होता है, ट्यूमर जो कन्फाइंड होता है प्रोस्ट्रेट में, ट्यूमर इन 1/2 ऑफ द 1 लोब
एंड टी टू बी में मोर देन हाफ ऑफ द वन लोब, जैसे ये दो लोब्स हैं ठीक है, वैसे तो इसमें पांच लोब्स होती हैं, तो एक लोब का हाफ या उससे कम। और मतलब आप कैसे याद रखोगे टू ए बी सी, कि आप इतना याद रखो कि जैसे एक लोब है, लोब का आधा इन्वॉल्व है, बस इतना याद रखो। टू बी में आधे से ज़्यादा इन्वॉल्व है, सी में दोनों ही इन्वॉल्व हैं विद इन द कैप्स्यूल। थ्री का मतलब क्या होता है, ट्यूमर्स एक्सटेंड्स टू प्रोस्टेटिक कैप्स्यूल, कैप्स्यूल में क्या आता है थ्री ए थ्री बी। थ्री ए में क्या आता है, एक्स्ट्रा कैप्स्यूलर एक्सटेंशन इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपिक ब्लैडर नेक इन्वॉल्वमेंट, एंड थ्री बी में इन्वॉल्विंग वन और बोथ सेमिनल वेसिकल्स, एंड टी फोर में फिक्स्ड ट्यूमर इन्वेड्स एडजेसेंट रेक्टम पेल्विक फ्लोर और वॉल। एन का मतलब क्या होता है, रीजनल लिम्फ नोड्स, एन एक्स का मतलब रीजनल लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी असेस्ड, एन जीरो का मतलब नो रीजनल लिम्फ नोड्स, एन वन का मतलब रीजनल नोड्स इन्वॉल्व्ड है। एम का मतलब होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, एम जीरो का मतलब होता है नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, एम वन का होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट। तो एम वन ए बी एंड सी नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स, बोन इन्वॉल्व्ड है एंड अदर साइड्स। ग्लीसन्स ग्रेडिंग कैसी हुई, रिस्क ग्रुप्स लो इंटरमीडिएट फेवरेबल, इंटरमीडिएट अनफेवरेबल, हाई हाई, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 7 7 8 9 10। अब सपोज ठीक है, ये ग्रुप जो आपका ग्लीसन स्कोर आया वो 6 से कम आया, तो मतलब ग्रेड 1 है ग्लीसन का एंड इट इज़ लो रिस्क ग्रुप, ऐसे करके है। और याद करने का तरीका क्या है, पांच चीज़ें लिखनी है, लो हाई हाई, बीच में इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में फेवरेबल अनफेवरेबल, 1 2 3 4 5 ग्रेडिंग कर देना, ग्लीसन स्कोर लास्ट में 9 10 8, अनफेवरेबल इंटरमीडिएट का आप 7 रखना, जिसमें 3+4 भी हो सकता है, 4+3 भी हो सकता है, एंड लो लेस देन 6। अब ये 3+4 एंड 4+3 का सिस्टम क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया था कि ग्लीसन्स ग्रेड, ये पांच ग्रेड्स के टाइप्स होते हैं। कि आप कैंसर का टिश्यू देखते हो कि आपके पास कैसा मास है, स्मॉल ग्लैंड्स हैं, स्ट्रोमा ज़्यादा है, डिस्टिंक्टिवली मार्जिन हैं, मास है या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड, तो कैसे याद रखना है, 1 डिफ्रेंशिएटेड, 2 स्ट्रोमा है ग्लैंड्स के बीच में ज़्यादा, 3 मार्जिन्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन्स हैं, 4 मासेस हैं इरेगुलर, एंड 5 अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। अब ग्लीसन स्कोर हो गया, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रोस्टेट के कैंसर में, प्रोस्टेट के कैंसर में अभी तक हमने ये पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में, कि अगर आपने बीपीएच में प्रोस्टेक्टमी कर दी तो कैंसर भी हो सकता है, टाइप्स पढ़े कैंसर के ठीक है, ग्लीसन्स ग्रेड पढ़ा, स्टेजिंग पढ़ी 2 ठीक है, फिर उसके बाद कैसे करते हैं ग्लीसन स्कोर वो लिखा हुआ है लास्ट में, कैसे रिस्क ग्रुप्स निकालते हैं। अब आता है कि स्प्रेड कैसे होता है, एक होता है लोकल स्प्रेड, एक होता है ब्लड स्प्रेड, एक होता है लिम्फेटिक स्प्रेड। लोकल स्प्रेड कैसे होता है, अपवर्ड्स इंटू द सेमिनल वेसिकल्स, ब्लैडर नेक ट्राइगोन, लेटर इंटू बोथ यूरेटर्स कॉजिंग एन्यूरिया, डाउनवर्ड्स इंटू डिस्टल स्फिंक्टर। ब्लड स्प्रेड में आ जाता है इंटू द बोन्स, कॉमनली पेल्विक बोन्स, लंबर वर्टीब्रा, फ्यूमोरल हेड, रिब्स, स्कल, दैट इन द ऑर्डर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कैन अकर इन लॉन्ग बोन्स एंड वर्टीब्रा, पैराप्लेजिया में अकर इफ स्पाइन इज इन्वॉल्व, लेटरली स्प्रेड टू लिवर एंड लंग कैन अकर। लिम्फेटिक स्प्रेड इंटू द ऑब्ट्रूटेड लिम्फ नोड, देन टू द इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, थ्रू सेमिनल वेसिकल्स इंटू एक्सटर्नल इलियक एंड रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड, इवेंचुअली मीडियास्टाइनल लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स गेट इन्वॉल्व्ड। इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक और लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, ये लिम्फेटिक स्प्रेड हो गया। ब्लड स्प्रेड में आपके पास क्या क्या आ गया, कि बोन्स के थ्रू होता है, पेल्विक बोन्स या लंबर वर्टीब्रा। लोकल स्प्रेड में क्या आ गया, कि ऑर्गन्स में जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, कॉमनली एसिम्टोमेटिक, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन एंड सो रिटेंशन ऑफ यूरिन ठीक है, हिमेचूरिया फ्रीक्वेंसी। फिर आ जाता है पेल्विक पेन, बैक पेन, आर्थराइटिक पेन इन द सैक्रो इलियक जॉइंट्स विच आर फीचर्स ऑफ सेकेंडरीज। ऑन द पररेक्टल एग्जामिनेशन प्रोस्टेट फील्स हार्ड, नोड्युलर, इरेगुलर, often with loss of median groove, incidental carcinoma after DERP or after PSA analysis,
रीनल फेलियर की फीचर्स देख सकते हैं, एनीमिया विच इज सेकेंडरी टू एक्सटेंसिव बोन मैरो इन्वेजन एंड ऑल्सो ड्यू टू रीनल फेलियर। इन्वेस्टिगेशन में आएगा हीमोग्लोबिन परसेंटेज। मेटास्टेटिक डिजीज में देयर कैन बी मे बी ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन विद बोन मैरो इन्वेजन कॉजिंग एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, DIC एंड इंक्रीज FDP। PSA अगर 10 से ज़्यादा है ये सजेस्टिव। प्रोस्टेटिक फ्रैक्शन ऑफ एसिड फॉस्फेटेज इज इंक्रीज। ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन LFT। TRUS इज़ यूजफुल। ट्रांसरेक्टल प्रोस्टेटिक बायोप्सी, एक्सरे KUB जिसमें डेंस कोर्स स्क्लेरोटिक सेकेंडरीज दिखते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा दो एब्डोमेन का और MRI CT scan। ट्रीटमेंट में आएगा प्रोस्टेक्टमी, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, रेडिकल रेडियोथेरेपी, पेल्विक लिम्फ नोड्स डाइसेक्शन विद आयोडीन रेडिएशंस, बायलेटरल सबकैप्सुलर ऑर्किडेक्टमी। कॉमनली एडवोकेटेड मेथड्स क्या हैं? टर्फ, बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी, एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी फॉर बोन सेकेंडरीज प्लस फ्यूटामाइड और हॉर्नवैन। ड्रग्स में आएंगी फॉस्फोराइलेटेड डाइथाइल सिल्बेस्ट्रोल। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? कार्डिक कंजेशन, DVT, गायनेकोमेस्टिया। LHRH एगोनिस्ट में आया ल्यूप्राइड, गोसेरिलिन। एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स में आएगा फ्लूटामाइड एंड बाय कैल्यूटामाइड। जैसे टॉपिक यहीं पे ही ख़त्म हो गया। थोड़ा मोटा मोटा अगर आपको बताना है तो आपको इंट्रोडक्शन हो गई, टाइप्स हो गए 5, ठीक है, फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी होगी जिसमें ग्लीसंस ग्रेड कैसे निकालते हैं वो बताया हुआ है, और ये TNM स्टेजिंग हो जाएगी। फिर इसमें लिखा हुआ है ग्लीसंस ग्रेड की रिस्क ग्रुप्स, स्प्रेड लिखा हुआ कैसे होता है। जनरली हर कैंसर में ना 3 तरह से ही स्प्रेड होता है, लोकल स्प्रेड, ब्लड स्प्रेड और लिम्फ नोड का स्प्रेड। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है पेन, यूरिनरी सिम्टम्स, नोडुलर और एनीमिया। इन्वेस्टिगेशंस में आप ऑलमोस्ट सारे लिख ही देना। ट्रीटमेंट आ जाएगा जिसमें सर्जरी है, प्रोस्टेक्टमी, रेडियल प्रोस्टेक्टमी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है। फिर ड्रग्स आगे ल्यूप्राइड, ग्लोसरिलिन, ल्यूटामाइड, बैक्ल्यूटामाइड, फॉस्फोराइलेटेड डाइथाइल सिल्बेस्ट्रोल। दैट्स इट, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। एंड कॉमनली एसोसिएटेड मेथड के टर्फ करो, बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी करो, एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी फॉर बोन सेकेंडरीज, फ्लूटामाइड एंड हॉर्मोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।